सरकार कोरोना महामारी के इस दौर में गरीबों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर राशन डीलर फर्जीवाड़ा कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है भरतपुर के कामा में, जहां गांव आगरा वाली के राशन डीलर पर राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा कर मुर्दे व्यक्ति के नाम से राशन उठाने का आरोप लगा है। पीड़ित ने बताया कि निधन के बाद भी उसके पिता का खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें कभी राशन नहीं मिला। ऐसे में पीड़ित ने उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा के समक्ष पेश होकर अपनी रिपोर्ट दी है और कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा एक बहने हुए हुरमल, उसकी मृत्यु 2017 में हुई थी और उसके बाद में उसने उसके परिवार ने कोई राशन नहीं लिया। और मेरी बहन की मृत्यु हुई जूरी, उसकी 15 में हुई थी और उसके भी APL कार्ड में दो ही आदमी थे और उसके बाद में इस APL कर्मठ में 10 सदस्य हैं आज की तारीख में। और इसने 2020 तक का नाज निकाला, आज तक उसको उसका परिवार को किसी को नाज नहीं मिला और उस जानकारी मिले। और ये डीलर जाहुल हक अंगरावली का रहने वाला है और ये गरीब जो BPL परिवार है उनको नाज नहीं देता, जिनको करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, 20-20, 30-30 बीघा खेत हैं, उनको नाज देता है। परिवार जिनकी मृत्यु हो गई है और उसके बावजूद राशन डीलर के द्वारा जो PDS के द्वारा गेहूं मिलता है उसको लिया जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो इस शिकायत की जांच के लिए हमने प्रवर्तन निरीक्षक है नायब तहसीलदार कामा के पास, जिनका चार्ज है, उनको भिजवा दिया है। एक दो दिन में रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में यदि शिकायत सत्य है तो नियमानुसार राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2015 में बिल माफ कर दी, 2017 में माफ गुजर गए, तो हमने जांच करी है इनकी होन की, तो कुल मिला के नहीं जाहुल ले रहा, हमने कंप्यूटर पर निकलवाया तो जाहुल निकलवा रहे, पता नहीं किसको दे रहा किसको नहीं दे रहा, हम पे एक दाना भी ना।